ब्लॉग में बताऊंगा। ये देखिए अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर फव्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाओ कितना सुंदर सा नज़ारा है, देखिए अभी। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ का नज़ारा मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ, मैं करवाऊँगा। जो कि यहाँ पर हम कहाँ पर आए हैं, सुशांत गोल्फ सिटी में आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए हमारे पीछे कितना मतलब एकदम सुंदर सा नज़ारा है। जो कि आप लोग अगर नहीं आए होंगे तो आप लोग यहाँ से आकर के देख सकते हैं कि ये हमारा नज़ारा कैसा हो सकता है। क्योंकि ये कहाँ पर पड़ता है आपको, ये शहीद पथ में, शहीद पथ है लखनऊ में, शहीद पथ के जस्ट बगल में ही पड़ता है ये। और ये जो है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर कोई टिकट का कोई जाम नहीं है। देखिए बहुत बड़ा है, आप वहाँ तक देख सकते हैं सामने। और ये एंसल का एक गोल्फ सिटी है, और इसमें इसके बाहर पीछे साइड में आप फ्लैट्स देख रहे हैं, और साथ साथ में इसके कुछ इधर भी देख रहे हैं कि जो कि क्या है ना, फव्वारे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का नज़ारा जो है बेसिकली क्या है ना कि वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और ये सुंदर बेहतरीन, और मौसम भी वासम मौसम है, मौसम का भी देख लीजिए, मौसम कोई भी मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वीडियो की शूटिंग भी हर जगह से हर तरीके से हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। औसम सा नज़ारा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये नारियल के भी पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और नज़ारा भी कुछ ऐसा है, देखिए लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो देखिए यह फव्वारा आपको नज़र आ रहा है, ये फव्वारा काफ़ी अच्छा औसम नज़ारा है। और इसमें पानी का आप देखिए, पानी को हम पास में ला करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ जो साइड साइड में पानी है, और पानी के साथ साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा ये पानी, पानी कितना अच्छा जल भराव यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ साथ में आप ऊपर का भी नज़ारा एकदम बहुत सुंदर बेहतरीन नज़ारा आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं जाने के लिए, उस तरफ जाने के लिए कोई वो नहीं है, इसका जाने के लिए कोई साधन नहीं है। आप कोई अगर जाना भी है, वैसे बाउंडेशन है, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो इसमें से होकर के ही जाना पड़ेगा। और आपको हम इसका फ्रंट का एरिया दिखाते हैं, फ्रंट का काफ़ी अच्छा लुक है। क्योंकि आप यहां पर देखेंगे ये तो बैक साइड का है, और फ्रंट का नज़ारा हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ले करके चलते हैं। कि अभी फव्वारे नहीं चल रहे हैं, यहाँ फाउंटेन जो हैं वो अभी नहीं चल रहे हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे काफ़ी अच्छी भी कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, और उधर भी थोड़ा सा बढ़ाया जा चुका है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बगल में बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है और बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिनमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में इस पार्क की जो वैल्यू है, वाकई में आप एक अच्छी वैल्यू के रूप में आप देखेंगे। देखेंगे कि ये उभरते हुए सितारे जो हैं, जो लोग आना चाहते हैं घूमने के पर्पस से, तो वो लोग आ करके यहाँ पर घूम सकते हैं। देखिए मौसम इतना शांत है, मौसम इतना रंगीन मौसम होते हुए भी आप अगर इसका नज़ारा देखना चाहते हैं तो वाकई में जन्नत जैसा नज़ारा है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाउंटेन्स लगे हुए हैं, और ये फाउंटेन्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं फाउंटेन्स। ठीक है, अभी फाउंटेन ये चल नहीं रहे हैं, जब चलेंगे तो इसका नज़ारा ही कुछ और अलग होता है। आप यहाँ से साथ साथ में आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ बैक साइड का थोड़ा सा नज़ारा ऐसा होता है, बैक साइड का कुछ नज़ारा ऐसा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सुशांत गोल्फ सिटी। ठीक है, सुशांत गोल्फ सिटी लिखा हुआ है, बट आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, और इसको हम जूम के माध्यम से और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर जो पानी है, पानी में कितना अच्छा सा थोड़ा हल्की हल्की हवा भी चल रही है। आप मौसम भी देख सकते हैं, कोई मतलब धूप का कोई वो चांस नहीं है, हल्की हल्की धूप है, मनोरंजन वाला समय है, और लोग यहाँ पर अपना टाइम थोड़ा सा अपना स्पेंड करने के लिए इस मोमेंट भरे लाइफ में लोग आ रहे हैं। और यहाँ
दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर। और अब आप देखिएगा यहाँ पर जो फाउंटेन, वाकई में जो फाउंटेन चल रहा है उसका जो नज़ारा है वो कैसा है, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो सुशांत गोल्फ सिटी का ये टैग है, ये आप यहाँ पर देखिए, आसम सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ नज़ारा कुछ ऐसा दिखाएंगे, और ये है हमारा सुशांत गोल्फ सिटी का एरिया। सुशांत गोल्फ सिटी में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जितने लोग भी हैं, देखिए सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपना अपनी बात कर रहे हैं। और क्योंकि ऐसा इंजॉयमेंट वाला एरिया जो है वो काफ़ी हद तक ही सब लोगों को इंजॉयबल लगता है। अब हम वहाँ पर चल के दिखाते हैं कि वहाँ पर आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो हम आपको वहाँ देखिए, हम यहाँ पर आ गए और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शहीद पुत का जो है पूरा एरिया है, और इधर से भी आ सकते हैं, इसका फ्रंट गेट जो है इधर भी है। और साथ साथ में इसमें और आने के लिए, घूमने के लिए उधर से घूम करके आएगी, और यहाँ पर कुछ स्टॉल भी लगा रखे हैं जिससे जहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट का सामान को मिलता है। और दूसरा यहाँ पर लोगों से यही गुजारिश रहती है, देखिए इतनी अच्छी चीज़ों को, मतलब इतनी अच्छी धरोहर को भी ये लोग नुकसान करने में आते हैं, यहाँ करते हैं और कूड़ा कबाड़ा फेंक करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर एक फाउंटेन है, इधर भी लोग अपना घूम रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में ये जो यहाँ पर आप नज़ारा देख रहे हैं, फ्रंट नज़ारा है, यहाँ पर ये फाउंटेन चलते हैं। फाउंटेन के साथ साथ में अभी देखिए यहाँ पर पानी गिर रहा है, और ये जो फाउंटेन कवर पेज है, डेल एरिया है ये, इस पर ये फाउंटेन यहाँ पर भी फवारे टाइप के चलते हैं। बहुत अच्छा, मतलब एक सुंदर सा नज़ारा आपको शाम के समय देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इसलिए है, थोड़ा सा एक इधर भी एक वॉल लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है सुशांत गोल्फ सिटी। गोल्फ सिटी तो कुछ बड़ा बड़ा दिखेगा आपको, सुशांत छोटा छोटा दिखेगा थोड़ा सा, क्योंकि मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुशांत गोल्फ सिटी, ये यहाँ पर सुशांत गोल्फ सिटी, ये यहाँ पर आप लोग आना है तो आ सकते हैं, और यहाँ का सुंदर सा नज़ारा आप देख सकते हैं, अपने फ़ोन में भी कैप्चर कर सकते हैं। ये है, ये बहुत बड़ी सी आप लाइट का ये देख रहे हैं, यहाँ पर जब जलता है तो यहाँ से वहाँ तक ही पूरा नज़ारा एकदम सुंदर सा होता है। और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए अगर आप आते हैं तो एक अपना एक अलग ही माइंड आपका फ्रेश हो सकता है, क्योंकि एकदम ये चहचहाट या प्रदूषण भरी एरिया से एकदम अलग साइड में है। और यहाँ पर अगल बगल में और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। ये देखिए अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर फव्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाओ, इतना सुंदर सा नज़ारा है, देखिए अभी अचानक से ही स्टार्ट हुआ है, और इसको जो है स्टार्ट किया अभी थोड़ा सा, और भी जब धीरे धीरे बारिश मतलब ठंडे शाम और जैसे होने लगेगी, तो आप यहाँ पर ये फव्वारे जितने हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने सुंदर से नज़ारे हैं। और ये फव्वारे देखिए, अभी ऊपर गार्ड जी हैं, वो इन फव्वारों को स्टार्ट किया, अभी वो फव्वारे चलने बाकी हैं, अभी देखते हैं, वेट करते हैं, अगर वो फव्वारे भी चल जाएँगे तो हम आपको वो फव्वारों का भी जो सुंदर सा नज़ारा है, देखिए कैसा नज़ारा। अभी इसमें लाइटिंग सिस्टम भी है जो कि लाइट से भी चलेंगे, और वो धीरे धीरे, अभी समय तकरीबन हो रहा है मान के चलिए अभी 5:30 हो रही है, तो उस हिसाब से अभी जैसे ही मौसम समय और बीतता जाएगा, थोड़ा सा अंधेला होगा, तो फिर वो लाइट्स भी ऑन कर देंगे, और लाइट्स जब चलेंगी तो आपको और अच्छा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के ब्लॉग्स और हम लेकर के आते रहेंगे, तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।